अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब हमने 3x को इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप ये इस फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की फ़र्स्ट वैल्यू ले लें, यहाँ पे लिखें x, और ये पूरा पॉलिनोमियल इसके साथ लिख दें, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। सेकेंड पॉलिनोमियल विद साइन लें, यहाँ पे प्लस 3 लिखें, और ये पूरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखें, बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं, ये बेस है। जब बेस सेम है तो पावर्स इसकी रेस्ट पर 1 है, 1 प्लस 2 3, एक्स रेस्ट पर 3 माइनस एक्स को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वेयर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। अब क्या करेंगे? प्लस 3 को इसके सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ। प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और ये x 7 आ जाएगा। प्लस 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 9 3 27। अब हमने क्या करना है? लाइक टर्म्स जो हैं, सेम टर्म्स, उनको ऐड करना है। जैसे ये क्यूब, पूरी इक्वेशन में एक ही वैल्यू है क्यूब वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्या है? एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर एक ये है, एक ये है, तो इसको देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव 3 और ये पॉजिटिव 3, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये क्या है? 9x, ये माइनस 9x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? प्लस 27, प्लस 27। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो भी इसी तरह से, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स थी इस वाले पॉलिनोमियल में, और इस इधर तीन तीन थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे 3x स्क्वेयर, और ये पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। फिर सेकंड टर्म लिखेंगे माइनस 7x, और ये पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। फिर थर्ड टर्म लिखेंगे प्लस 5, और ये पूरा पॉलिनोमियल, 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 12x रेज्ड पर 4। पहले भी जैसे आपको पार्ट 1 में बताया कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इसकी पावर क्या है? 2, इसकी पावर 2, तो दोनों की रेज्ड पर मिला के ऐड करके 4 हो जाएगी। प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6x क्यूब। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 3x स्क्वेयर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, और एक्स क्यूब, ये और ये, इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो क्यूब आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 7 2 14x स्क्वेयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 7x, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 20x स्क्वेयर, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 2 10x, और ये लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करें, 5 1 5। अब आपने पहले की तरह क्या करना है, अरेंज कर देना इनको रेज्ड पावर के हिसाब से। सबसे बड़ी रेज्ड पावर एक्स की रेज्ड पावर 4, तो 12x 4। उसके बाद क्या है? क्यूब, क्यूब वाली वाली टर्म्स देखें, एक ये है, एक ये है जी, तो ये दो हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 34x और साथ क्यूब। अब क्या है? स्क्वेयर वाली वैल्यू, स्क्वेयर वाली टर्म्स देखें, एक ये, एक ये, और एक ये, सॉरी,
अब इन्हें ऐड करें, प्लस थ्री और इसको ऐड किया 17, और इसको जब ऐड करेंगे तो 37 प्लस 37 एक्स स्क्वेयर। उसके बाद एक्स बचता है, एक्स को देखें, एक ये है माइनस 7x और माइनस 10x, सेम साइंस हैं तो इस वजह से ऐड होंगे, दोनों को ऐड करें माइनस, साइन माइनस का आएगा और 17x, और लास्ट में ये पॉलिनोमी कांस्टेंट बचता है तो इसको यहाँ पे लिख दें। ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।